हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया था वाक्य विचार, जिसमें कि हमने रचना के आधार पर वाक्य के भेद पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, जो हैं विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, संदेहबोधक, शर्तबोधक। इनका जो है नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें किस तरह के वाक्य आएंगे। तो अब हम इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है विधानवाचक, जिसमें क्रिया या कार्य के होने का बोध हो। ऐसे वाक्य जिसमें किसी कार्य के होने की हमें जानकारी मिल जाए, विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया, तो इस वाक्य में हमें जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा फहराया, उन्होंने झंडा फहरा दिया है। तो मतलब कार्य के होने की जानकारी हमें जिस वाक्य में मिले उसे विधानवाचक वाक्य कहेंगे। सेकंड है निषेधवाचक वाक्य। तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे निषेध मतलब मना कर देना। किसी बात या कार्य के ना होने या ना करने का बोध हो तो ऐसे वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाएंगे। मतलब ऐसे वाक्य जिनमें कार्य के ना होने या ना करने की जानकारी हमें प्राप्त हो तो उन वाक्यों को निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। उदाहरण देखते हैं, इस समय वर्षा नहीं हो रही है, तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि अभी जो है बारिश नहीं हो रही है। मतलब किसी कार्य के ना होने की हमें जानकारी मिल रही है। नेक्स्ट है मैं कुछ ना कर सकी, यहाँ पे किसी कार्य के ना करने की जानकारी हमें मिल रही है। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है आज्ञावाचक वाक्य, इसमें किसी कार्य के लिए आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश का भाव रहता है। ऐसे वाक्य जिसमें कहीं पे या तो किसी को आज्ञा दी जा रही होगी या प्रार्थना की जा रही होगी या किसी को उपदेश दिया जा रहा होगा, इस तरह के भाव अगर हमें वाक्य में मिलते हैं तो वैसे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण है यहाँ से चले जाओ, अब यहाँ पे आज्ञा का भाव हमें वाक्य में प्रकट हो रहा है, यहाँ से चले जाओ, तो ऐसे वाक्य जो है आज्ञावाचक वाक्य कहलाएंगे। अभी मत जाओ, यहाँ भी आज्ञा दी जा रही है कि आप अभी मत जाओ। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनको आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन सब का जो है नाम से ही पता चल जाता है कि इसमें किस किस तरह के वाक्य आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, इनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। जहाँ भी कहीं पे किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जा रहा है तो वैसे वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएंगे। वह क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। बाहर कौन है, यहाँ पे भी प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरह के वाक्य प्रश्नवाचक वाक्यों में आएंगे। नेक्स्ट है विस्मय आदि बोधक वाक्य, विस्मय मतलब हैरानी। इसमें विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का बोध होता है। ऐसे वाक्य जिनमें हैरानी, हर्ष मतलब खुशी, शोक मतलब दुख, घृणा मतलब किसी से नफरत करना इत्यादि का बोध अगर हमें वाक्य में हो रहा है तो ऐसे वाक्य विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाएंगे। यहाँ पे है कैसा सुंदर स्थान है, यहाँ पे हैरानी हो रही है कि कैसा सुंदर स्थान है। तो इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं जिनमें या तो खुशी हो रही है या कहीं पे दुख का भाव प्रकट हो रहा है, तो वैसे वाक्यों को विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है
इच्छा बोधक वाक्य। इसमें इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट किया जाता है। ऐसे वाक्य जिनमें कुछ इच्छा जाहिर की जा रही है अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है, इच्छा बोधक वाक्य कहलाएंगे। उदाहरण के लिए, तुम्हारा कल्याण हो। इस वाक्य में जो है इच्छा जाहिर की जा रही है किसी पर्सन के लिए, किसी दूसरे पर्सन के द्वारा, तो ऐसे वाक्य जो है इच्छा बोधक वाक्य कहलाएंगे। ईश्वर करे कि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। यहाँ पे भी किसी के द्वारा किसी के लिए इच्छा जाहिर की जा रही है, तो ऐसे वाक्यों को इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है संदेह बोधक वाक्य। इसमें भी नाम से ही पता चल रहा है, संदेह मतलब डाउट। इसमें संदेह की संभावना का बोध होता है, मतलब इसमें डाउट का भाव हमें नजर आता है। हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े। यहाँ पे डाउट है, हो सकता है आपको घर जाना भी पड़ सकता है, नहीं भी जाना पड़ सकता, तो इसमें संदेह का भाव हमें प्रकट हो रहा है, तो इस तरह के वाक्यों को संदेह बोधक वाक्य कहते हैं। शायद आज वर्षा हो। बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे संदेह की भावना जो है व्यक्त हो रही है। नेक्स्ट है शर्त बोधक वाक्य। इसमें एक बात या कार्य का ना होना या किसी दूसरी बात या कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है, मतलब किसी कार्य का होना किसी दूसरे कार्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है। जैसे यदि वर्षा ना होती तो अकाल पड़ जाता। अब देखो, अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता, अगर बारिश हो जाएगी तो अकाल नहीं पड़ेगा, तो किसी वाक्य का होना या ना होना किसी दूसरे वाक्य के होने या ना होने पर निर्भर करता है, तो ऐसे वाक्यों को शर्त बोधक वाक्य कहते हैं। तो हमने ये व्याकरण के भेद स्टार्ट किए थे, जिसमें कि हमने वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को डिस्कस कर लिया है, इसके सभी पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। अब ये जो टॉपिक है हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।